क्या गाइस आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो और आपका बजट 50 to 60,000 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं जो आज दो स्मार्टफोन लाया हूँ उन दोनों ही स्मार्टफोन के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं, फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। मैं उससे पहले बता देता हूँ कि मोटोरोला ने अपने एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करा है, मोटोरोला एज 30 प्रो, और साथ ही IQ 9 प्रो भी लॉन्च हुआ है। एक से दो दिन का डिफरेंस आपको दोनों ही स्मार्टफोन के लॉन्चिंग में देखने के लिए मिल जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि जो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो गाइस दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। एक आपको मोटोरोला का देखने के लिए मिल जाता है और एक आपको IQ 9 सीरीज जो नई लॉन्च हुई है इंडिया में वो देखने के लिए मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन काफी बेस्ट स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले हम जो इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो मोटोरोला का जो आपको डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है, ग्लास का बैक देखने के लिए मिल जाता है और ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। काफी बॉक्सी सा इसमें आपको कैमरा मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाता है और मोटोरोला की आपको बीच में सेंटर में ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही आपको IQ 9 के बारे में बताऊं तो IQ 9 प्रो में भी आपको जो एक बॉक्सी सा कैमरा डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और एक आपको रेक्टेंगल का बड़ा सा डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन, दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन में आपको जो कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। दोनों ही स्मार्टफोन जो 5G स्मार्टफोन है। इस बॉडी के बारे में बात करूं दोनों ही स्मार्टफोन के, तो सबसे पहले हम जो मोटोरोला के बारे में बात करते हैं, तो मोटोरोला में आपको जो 8.8 mm की थिकनेस देखने के लिए मिल जाती है और साथ ही आपको 196 ग्राम का वेट देखने के लिए मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी आपको जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट में, और आपको बैक में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाती है। फ्रेम आपको इसमें प्लास्टिक का देखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको वाटर प्रूफ की भी आपको इसमें प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही बात करूं IQ 9 प्रो के बारे में, तो इसमें आपको जो 8.8 mm की थिकनेस देखने के लिए मिल जाती है और साथ ही 204 ग्राम का इसमें वेट देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है और इसमें फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का देखने के लिए मिल जाता है और गैस बैक में आपको जो एक फाइबर की बैक देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोनों ही स्मार्टफोन जो है काफी बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप एक ग्लास का बैक यूज करना चाहते हो, अगर आपको ग्लास के बैक पसंद है तो आप जो है मोटोरोला की तरफ जा सकते हो, और आपको जो कोई प्लास्टिक का या फाइबर के बैक पसंद है तो आप जो है IQ 9 प्रो की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको मोटोरोला में आपको जो 6.7 inches की OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, और 1B कलर्स भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको रिजोल्यूशन में आपको 1080x2400 पिक्सल्स देखने के लिए मिल जाता है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 20:9 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही बात करूं IQ 9 प्रो के बारे में, तो इसमें आपको जो 6.78 inches की AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ ही आपको 1000 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी देखने के लिए आपको मिल जाती है, और पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन इसमें देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो यहां पर अगर मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बताऊं, तो यहां पर अगर आप एक हाईर रिफ्रेश रेट चाहते तो आप जो मोटोरोला की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, और अगर आप एक अच्छे डिस्प्ले चाहते हो AMOLED डिस्प्ले चाहते हो तो आप जो IQ 9 प्रो की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। गाइस अगर दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करूं, तो दोनों ही स्मार्टफोन का प्रोसेसर आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक नया प्रोसेसर है जिससे स्मार्टफोन में अभी तक स्मार्टफोन में ये 8 Gen 1 रखा गया उसी स्मार्टफोन में जाता है। थोड़े बहुत जो है हीटिंग के इशू देखने के लिए मिले थे, जो कि 4 nm टेक्नोलॉजी पर बेस है, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, एक गेमिंग प्रोसेसर है, साथ ही इसमें आपको Android 12 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में। इसमें मोटोरोला में बताया जा रहा है कि 2 साल बाद Android 13 जब आएगा तो इसमें आपको जो Android 13 का भी अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको जो काफी अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जीपीयू में आपको एड्रिनो 730 देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में। प्रोसेसर काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक नया प्रोसेसर है, एक गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप एक गेमिंग यूजर हो। पर मैं बात कर रहा हूँ रैम एंड स्टोरेज की, तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो काफी अच्छी रैम एंड स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको जो मोटोरोला में आपको जो 4 variants देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको बेस वेरियंट आपको 8+128GB और सेकंड वेरिएंट आपको 8+256GB और थर्ड वेरिएंट 12+
256 GB और आपको फोर्थ वेरिएंट आपको जो 12+5 to 512 GB जो कि काफी LPDDR5X रैम देखने के लिए मिल जाता है, UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है और इसमें आपको कोई भी मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ IQ9 Pro के बारे में तो इसमें आपको जो 3 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है। बेस वेरिएंट आपको जो 8+256 GB, सेकंड वेरिएंट जो 12+256 GB और थर्ड वेरिएंट जो 12+512 GB LPDDR5X रैम देखने के लिए मिल जाता है, UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है और इसमें आपको कोई भी मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन में जो है सेम रैम टाइप देखने के लिए मिल जाता है, रैम सपोर्ट भी आपको जो दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम देखने के लिए मिल जाता है। मेमोरी कार्ड का कोई भी स्लॉट दोनों ही स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिलता। ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन में जो है ओनली ऑन 2 नैनो सिम का सपोर्ट दिया जाता है, कोई भी मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो मैं अभी बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस देख रहा था कैमरे के बारे में कि मोटोरोला का कैमरा कैसा है और IQ9 Pro का कैमरा कैसा है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में काफी अच्छे अच्छे कैमरास देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले मोटोरोला के बारे में बात करते हैं तो मोटोरोला में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। मेन कैमरा आपको 50 MP का देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही सेकेंडरी कैमरा भी आपको 50 MP का ही देखने के लिए मिल जाता है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 2 MP का आपको डेप्थ देखने के लिए मिल जाता है जो कि अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। फीचर्स की बात करो तो फीचर्स में आपको जो डुअल LED फ्लैश, HDR मोड, पैनोरामा मोड देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही वीडियो की बात करो तो वीडियो में आप जो 8K पे आप जो 24 FPS पर शूट कर सकते हो, 60 FPS या 30 FPS पर शूट नहीं कर सकते और 4K में आप जो 30 FPS पर शूट कर सकते हो। यहां की बात करो अगर मैं IQ9 Pro के बारे में तो इसमें आपको जो 50 MP का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और आपको 16 MP का टेलीफोटो लेंस और 50 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिल जाता है जो कि दोनों ही स्मार्टफोन की जो डिग्री है वो काफी सेम सी देखने के लिए मिल जाते हैं। 150 डिग्री का जो इसमें आपको जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है और साथ ही फीचर्स की बात करो तो फीचर्स में आपको डुअल LED फ्लैश, HDR मोड, पैनोरामा मोड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ की बात करूँ अगर वीडियो के बारे में तो वीडियो में आप जो है दोनों स्मार्टफोन में जो 8K पे शूट कर सकते हो, वो भी अगर मैं IQ9 Pro के बारे में बताऊँ तो 8K पे आप जो है 30 FPS पर शूट कर सकते हो और 4K में आप जो है 30 FPS पर शूट कर सकते हो, 60 FPS पर आप जो है किसी भी रिजोल्यूशन में आप जो है शूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप जो है दोनों ही स्मार्टफोन से आप जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो एकदम नेक्स्ट लेवल वाली जो कर पाओगे। तो गाइस मैं बात कर रहा था दोनों ही स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरास के, तो यहाँ पर आप सबसे पहले मोटोरोला के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो 60 MP की सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूचर में आपको HDR मोड देखने के लिए मिल जाता है और आपको जो वीडियो में आप जो 4K पे आप जो 30 FPS पर शूट कर सकते हो, 180p पे आप जो 30 FPS पर और 120 FPS पर शूट कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करूँ मैं IQ9 Pro के बारे में तो इसमें आपको 16 MP की सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फीचर्स में आपको HDR मोड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही वीडियो में आपको जो 180p पे आप जो 30 FPS पर शूट कर सकते हो, 60 FPS पर आप जो शूट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर सेल्फी के मामले में मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा तो आपको जो मोटोरोला का स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा। अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको जो दोनों स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, 3.5 का जैक देखने के लिए नहीं मिलता और यहाँ पर आपको जो मोटोरोला में आपको जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर IQ9 Pro में आपको जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड आपको जो काफी फास्ट देखने के लिए मिल जाती है और जितने भी स्मार्टफोन में फ्लैगशिप स्मार्टफोन में सेंसर होते हैं, कॉलिंग सेंसर, जितने भी स्मार्टफोन में सेंसर होते हैं वो सारे ही आपको स्मार्टफोन में दोनों ही स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर बात करूँ कनेक्टिविटी के बारे में तो इसमें आपको दोनों ही स्मार्टफोन में वाईफाई डुअल बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 देखने के लिए मिल जाता है, NFC दोनों ही स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाता है, रेडियो आपको जो दोनों ही स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिलती और USB का टाइप सी का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप घंटों फोन को इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए जो बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर अगर मैं Motorola Edge 30 Pro के बारे में बताऊं तो इसमें आपको जो 4800 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है और बॉक्स के अंदर आपको जो 68W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको जो वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि 15W का देखने के लिए मिल जाता है और रिवर्स चार्जिंग का भी आपको इसमें सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि 5W का देखने के लिए मिल जाता है। बात करूं IQ9 Pro के बारे में तो इसमें आपको जो 4700 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है और बॉक्स के अंदर आपको जो 120W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है जो कि 0 से लेकर 100% आपकी जो है 20 मिनट में जो चार्ज कर देगा जो कि काफी फास्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको
वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है 50 वॉट का, और साथ ही इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि 10 वॉट का। तो यहाँ पर अगर मैं बैटरी के मामले में रिकमेंड करूँगा तो अगर आप एक फास्ट चार्जिंग चाहते हो तो आप जो IQ9 Pro की तरफ जा सकते हो जिसमें आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, और अगर आप मोटोरोला के यूजर हो तो आप जो मोटोरोला की तरफ जा सकते हो जिसमें आपको 68 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें इसके कलर्स के एंड प्राइसिंग की तो दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छे अच्छे कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करूं मैं मोटोरोला के बारे में तो मोटोरोला में आपको जो कॉस्मोस ब्लू देखने के लिए मिल जाता है, स्टार स्टस्ट व्हाइट देखने के लिए मिल जाता है। और प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग में आपको जो है इसके बेस वेरिएंट की बताऊं तो बेस वेरिएंट का आपको देना होगा 45,000। और साथ ही बात करूं मैं आप यहां पर IQ9 Pro के बारे में तो इसमें जो आपको दो कलर देखने के लिए मिल जाते हैं, एक लेजेंड कलर डार्क ब्लू और ऑरेंज देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग का जो आप जो थोड़ा सा आपको हाई लेवल पे जाना होगा जो कि 60,000 प्लस देखने के लिए मिल जाता है। और मैं आपको दोनों स्मार्टफोन को रिकमेंड करूँ यानी कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है तो अगर आपका बजट 50,000 से नीचे है तो आप जो है मोटोरोला 830 प्रो की तरफ जा सकते हो, अगर आपका 60,000 से थोड़ा सा ऊपर बजट है तो आप जो IQ9 Pro की तरफ जा सकते हो जिसमें आपको जो 8+256 GB वाला वेरियंट का देना होगा 64,999। और अगर मैं आपको और थोड़ा सा रिकमेंड करूँ कि यानी कि अगर आप कैमरे के मामले में स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप जो कैमरे के मामले में भी आप जो IQ9 Pro की तरफ जा सकते हैं जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा तो नहीं कह सकते लेकिन मेन कैमरा जरूर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो आपको जो IQ9 Pro की तरफ जा सकते हो। अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको जो 15,000 का फेस देखते हुए आपको जो कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो, फ्लैगशिप स्मार्टफोन काफी बेस्ट स्मार्टफोन दोनों ही देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप जो अपने हिसाब से जो पसंद कर सकते हो, तो कि मोटोरोला का पसंद चाहते हो या IQ का पसंद चाहते हो तो आप जो कोई सा भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।